हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल यानी अरहान एंटरटेनर। मैं हूँ रांची से। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये आंखों में पट्टी क्यों बांधा, तो वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। खैर, आज हम लोग बात करेंगे एक तमिल वेब सीरीज की जो कि रिलीज हुई है Zee5 ऐप पर, जिसमें आपको तकरीबन 5 एपिसोड देखने को मिलते हैं। मैं आपको बता दूं, ये वेब सीरीज आपको अलग अलग लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी, यानी कि मलयालम में, तेलुगु में और हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। और इसमें सिर्फ 5 ही एपिसोड है और ये थ्रिलर जॉनर वाली सीरीज है। लेकिन इस सीरीज का रिव्यू करने के लिए मुझे मेरे सब्सक्राइबर जिनका नाम है मनोज तिवारी, उन्होंने कहा था, तो मैं सोचा क्यों ना यार इस सीरीज को देख लिया। और इसका ट्रेलर देखा था तो मुझे एवरेज लगी थी, कुछ इतनी खास नहीं लगी थी, लेकिन फिर भी मैं अपने सब्सक्राइबर लोगों के लिए चैनल बनाया तो उन लोगों की बात को मैं टाल नहीं सकता, तो उन लोगों के लिए ही मैं रिव्यू वीडियो बनाता हूँ। चलिए हम लोग बात करते हैं कन्नामोची इस सीरीज की। तो ये सीरीज की बात करो तो ये सीरीज एक ट्रेलर सीरीज है। तो इस सीरीज की कहानी बताने से पहले आपको बता दो, इसमें हमें कौन से एक्टर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमें पूर्णा, विवेक, प्रसन्ना, अमजद खान और अरेजिया देखने को मिलती है। कहानी की बात हो तो कहानी शुरू होती है प्रिया और उसकी बेटी आयुषु से। प्रिया का रोल यहाँ पर किया है पूर्णा ने। और इस सीरीज की कहानी शुरू होती है प्रिया और उसकी बेटी आयुषु से। वो अपना बैंगलोर का घर छोड़कर चेन्नई शिफ्ट होते हैं। चेन्नई वो इसलिए शिफ्ट होते हैं क्योंकि उनके लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिसके बारे में आप ये सीरीज में देखोगे तो आप लोग समझ जाओगे। खैर, उनकी जो बुरी किस्मत है उनका पीछा नहीं छोड़ती है। उसके बाद उनकी लाइफ में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी जिसका नाम है कन्नामोची। अब मैं आपको बताता हूं सीरीज मुझे कैसी लगी। तो ये सीरीज की बात करो सिर्फ 5 ही एपिसोड है, हर एपिसोड के लिए लगभग आधे घंटे की, उससे ज्यादा की भी नहीं, लेकिन फिर भी ये सीरीज मुझे एक एवरेज सीरीज लगी क्योंकि जो थ्रिल और जो सस्पेंस होना चाहिए था वो मुझे महसूस नहीं हो रहा था। आज स्टार्टिंग के 3 एपिसोड अच्छे है लेकिन जो लास्ट के 2 एपिसोड है उसमें कुछ भी दम नहीं है। इवन 4th एपिसोड में आपको सब कुछ पता चल जाता है लेकिन ऐसा लगता है कि आगे ये लोग जबरदस्ती का बढ़ा रहे, जो कि बढ़ाना नहीं चाहिए। इसको सिर्फ 4 एपिसोड होते तो ठीक होता। और बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करो तो बैकग्राउंड म्यूजिक ठीक ठाक है, ओके, ज्यादा कुछ ऐसा भी नहीं कि मतलब आप तो रोंगटे खड़े हो जाए या ऐसा लगे कि यार अब क्या होने वाला, अब क्या होना, तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। परफॉर्मेंस की बात करो तो सिर्फ यहाँ पे पूर्णा का परफॉर्मेंस, जो कि यहाँ पर रोल प्ले करी प्रिया का, उसका परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगा। अच्छा बोलते एकदम ज्यादा भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि यहाँ पर करने के लिए एक्ट्रेस के पास भी कुछ नहीं था और राइटिंग भी कुछ भी खास नहीं थी और एग्जीक्यूशन तो बहुत ही थर्ड क्लास था। तो कुल मिला के ये एक एवरेज वेब सीरीज है जो अगर आपको देखनी तो आप लोग जरूर देखना। ये इतना कह सकता हूं कि मैं इसको देखने के बाद बस मेरा बस यही मन कर रहा है कि मैं अपनी आंखों पे इस तरीके की पट्टी बांध लूं, क्योंकि ये सीरीज देखने के बाद अब मेरा कुछ और देखने का मन नहीं कर रहा है। अगर आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लगी तो आप इसे जरूर देखते हैं, आपको Zee5 पर मिल जाएगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। दुआ में रखना।